देखो एक और नई फॉर्म देखते हैं, फॉर्म नंबर 16। ठीक है, क्या क्या मिल सकता है हमें इसमें? इंटीग्रेशन ऑफ 1/a + b sin²x dx। ठीक है, ये हो सकता है 1/a + b cos²x dx, ये हो सकता है। देखो साइन स्क्वायर भी हो सकता है, कॉस स्क्वायर भी हो सकता है, और ये दोनों भी हो सकते हैं। ए sin²x + b cos²x, ठीक है, और क्या हो सकता है? 1/a sin x + b cos x का होल स्क्वायर, ठीक है, और क्या हो सकता है? 1/a + b sin²x + c cos²x dx। अगर 1, 2, 3, 4, 5 इन पांच में से कोई भी फॉर्म मिल रही है तो वर्किंग रूल क्या होगा? वर्किंग रूल होगा इसका सिंपल सा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसके बाद अगर डिनोमिनेटर में कोई सेक्स स्क्वायर बन रहा है, सेक्स स्क्वायर एक्स बन रहा है, तो उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे? 1+10² से। रिप्लेस सेक्स स्क्वायर एक्स एंड डिनोमिनेटर बाय 1+10² अगर कोई बन रहा है तो। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या होगा? पुट 10x = t। ठीक है, जब तुम 10x को t रख दोगे तो उसके बाद जो फॉर्म बनेगी वो बनेगी 1/quadratic। ठीक है, और उस 1/quadratic को हमने सॉल्व करना सीखा है बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम इस पर बेस्ड।